हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2C, सॉरी एक्सरसाइज 23C। ओके, वीडियो को पेशेंस के साथ ज़रूर देखना। यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, और फटाफट बात करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन फॉर ए। ए के लिए आपको सॉल्व करना, यानी ए का आपको वैल्यू निकालना। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 sin A = 1। तो साइन ए बराबर कितना होगा, साइन ए बराबर हो जाएगा, आपको ए का वैल्यू निकालना है, 1/2 हो जाएगा। ये इनटू में था, इधर आया डिवाइड में चला गया। तो यहाँ पर साइन ए, अब देखो ये जो 1/2 है, साइन में किसका मान होता है, किसका साइन 30° का वैल्यू होता है। हमको याद रखना ए का वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट ए बराबर 30°। तो ये हमारा आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर हमने 1 कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट में जाते हैं। ये 1 का 1 पार्ट है, 2 पार्ट में आते हैं। क्या है आपका दिया है 2 cos 2A। आपको किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर ए के लिए आपको सॉल्व करना है, यानी ए का वैल्यू निकालना है। 2 cos 2A = 1। तो cos 2A = कितना होगा आपका, 1/2, ये इनटू में है, डिवाइड में जाएगा। अब आपको पता है कि cos में किसका वैल्यू आपका 1/2 होता है, तो cos 30 का तो 1/2 नहीं होगा, यानी cos 60° का 1/2 होता है। तो 2A बराबर हमारा, ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स यू विल गेट 2A = 60°। तो ए बराबर हमारा हो गया 60/2, यानी ए बराबर हमारा 30° हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, दैट इज़ थर्ड पार्ट, दैट इज विच इज़ गिवन sin 3A = √3/2। तो यहाँ पर हमको पता है कि sin 3A है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 60° यानी sin 60° का वैल्यू होता है √3/2। तो जब हम कंपेयरिंग द एंगल्स करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग आप ये लिख लेना, जहाँ पर छूट गया वहाँ पर आप ये लिख लेना, ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, तो यू विल गेट 3A = 60° और ए बराबर हमारा हो गया 20°, ठीक है। तो ये हमारा, जैसा कि हमने यहाँ पर ए का वैल्यू निकाला कितना, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है, दैट इज़ 1 का थर्ड पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। फोर्थ पार्ट है हमारा sec 2A = 2। अब यहाँ पर आप चाहो तो sec को 1/cos 2A भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपको sec का जो हमारा वैल्यूज़ है वो याद नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसका जब आप इसी का रेसिप्रोकल करोगे तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब 1/cos 2A क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cos 2A = हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर आप देखना पड़ेगा आपको कि cos 2A = 2 है, यानी cos में किसका वैल्यू 2 होता है, ये चीज़ आपको सोचना है, ठीक है। एक काम कीजिए, आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, अभी आप चेंज मत कीजिए, ठीक है। जैसे sec 2A = 2 है, तो आप देखो sec में किसका वैल्यू 2 होता है, तो आपको पता है यहाँ पर कि sec 60° का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है। तो ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, तो यू विल गेट 2A = 60°। तो ए का जो वैल्यू निकलेगा, दैट विल बी 30°। तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा हमारा, 30°। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है, क्या है, √3 tan A = 1। तो हमारा tan A = कितना होगा, 1/√3, यानी tan किसका वैल्यू होता है, tan में tan 60° या 30°, तो tan 30°। तो ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, तो यू विल गेट A = 30°। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ ए का, हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है सिक्स पार्ट है, tan 3A = 1। तो आपको पता है कि tan 45° का वैल्यू यहाँ पर, देखो यहाँ पर cot 45 का भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पर tan है, तो इसलिए मुझे tan में सोचना है, ठीक है। तो 3A = 45°, तो A बराबर हो गया हमारा 45° / 3,
ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये भी कंप्लीट होता है। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये आएगा आपको ए बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम अगला नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सिक्स पार्ट है ना। तो 10 3 a बराबर हमारा दिया हुआ है आपका जाके 1, तो 3 a बराबर, सॉरी 10 3 a बराबर हो गया, अच्छा 10 3 a बराबर 1, ये तो हम अभी बनाए जस्ट, ये हमारा सिक्स पार्ट था, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पर ये हमारा सिक्स पार्ट है। सेवन पार्ट में क्या है, सेवन पार्ट है जो 2 sin 3 a बराबर 1, तो sin 3 a बराबर 1/2। तो मेरे को पता है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, sin 3 a बराबर sin 30 डिग्री। तो अब ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, तो 3 a बराबर 30 डिग्री, तो a बराबर हो गया हमारा 10 डिग्री, ठीक है। ये हमारा a का वैल्यू निकल गया, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। देखो दिया हुआ क्या है, sin a - 1 और दिया हुआ है 2 cos a - 1 इक्वल टू 0। तो आपको a का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये इसके बराबर 0, sin a - 1 बराबर 0, और एक 2 cos a - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको हो गया sin a = 1, तो sin a यानी साइन में किसका होता है वैल्यू 1, sin 90 का। तो ए बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। इधर हो गया हमारा 2 cos a = 1 यानी cos a = 1/2, तो cos a = cos 60 डिग्री। तो इधर हो गया हमारा ए का वैल्यू 60 डिग्री। तो ए का दो वैल्यू निकला, एक 90 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो ये हमारा वन पार्ट तो कंप्लीट होता है। उसी तरह आपको टू पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, सब उसी तरह है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं। देखो दो पार्ट भी आप बना लेना, थर्ड पार्ट देखो क्या है, दिया हुआ है sec 2a - 1 cosec 3a - 1 बराबर 0, तो sec 2a - 1 बराबर 0, sec 2a = 1। अब हमको सोचना है कि sec में किसका वैल्यू 1 होता, तो हमको पता है कि sec 2a यानी sec 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 2a = 0 डिग्री यानी a बराबर हो गया हमारा 0 डिग्री। तो a का कितना वैल्यू निकला, 0 डिग्री। उसी तरह हमारा अब cosec 3a - 1 बराबर 0, तो cosec 3a = 1। तो कॉसेक, अब हमको सोचना है कॉसेक में किसका वैल्यू 1 होता है, तो कॉसेक 90 का वैल्यू होता है 1, 90 डिग्री। तो 3a बराबर हमारा 90 डिग्री हुआ, तो a बराबर हो गया 30 डिग्री। तो ये भी कंप्लीट हुआ, एक का दो वैल्यू निकला, एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री। अब ये हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट, फाइव पार्ट आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है क्या है, इफ़ 2 sin x - 1 बराबर 0, तो एंड एक्स इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, और एक्स और कॉस एक्स और टेन एक्स ये सब दिया हुआ। देखो एक्स है, ये एंगल है, तो डिग्री में दिया हुआ है। तो 2 sin x = 1, तो sin x = 1/2, तो पहला हमारा निकल गया आंसर। अब आगे बोला एक्स का वैल्यू, तो sin x = sin 30 डिग्री। तो ऑन कंपेयरिंग विथ द एंगल्स, ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स यू विल गेट, इसलिए एक्स बराबर जो होगा दैट विल बी 30 डिग्री। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है साइन एक्स का वैल्यू निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया। उसके बाद है कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स, ठीक है। देखो कॉस एक्स बराबर, देखो एक चीज़ आपको याद है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिग्री बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर इतना बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना आप। कॉस स्क्वायर एक्स डिग्री बराबर कितना होगा, 1 - sin² x डिग्री। तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो यानी कॉस एक्स डिग्री बराबर कितना हुआ, √1 - sin² x डिग्री। इतना याद रखना, तो कॉस एक्स बराबर इतना होता है। तो कॉस एक्स निकालना है हमको, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 - √1 - sin² x डिग्री, क्योंकि हमको साइन एक्स का वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर अंडर रूट दें 1 - sin x डिग्री इस पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स साइन एक्स का वैल्यू पता है 1 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 - 1 √3, √3/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट में है 10x डिग्री, तो हमको पता है 10 θ = sin/cos होता है, तो sin x = cos x डिग्री लिख सकते हैं। तो sin x डिग्री का कितना वैल्यू हमारा 1/2, और cos x का
कॉस एक्स डिग्री का कितना वैल्यू है हमारा, रूट थ्री बाई टू, तो डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू, तो वन बाई टू इंटू टू बाई रूट थ्री, तो टू टू कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया वन बाई रूट थ्री, तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा जो फोर्थ पार्ट है क्या है आपका, फोर कॉस स्क्वायर एक्स डिग्री माइनस वन बराबर ज़ीरो, और यहाँ पर कह रहा है ज़ीरो, एक्स का जो वैल्यू है वो ज़ीरो से बराबर या बड़ा हो सकता है लेकिन नब्बे के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, ये इसका दिया हुआ x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो फोर कॉस स्क्वायर एक्स डिग्री बराबर वन हो सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स डिग्री बराबर वन बाई फोर, तो कॉस एक्स डिग्री, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, वन बाई फोर का स्क्वायर रूट वन बाई टू, यानी कॉस एक्स डिग्री बराबर वन बाई टू, वन बाई टू किसका वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई टू, तो x बराबर हमारा हो गया 60 डिग्री, तो ये भी x का वैल्यू फाइंड करना था निकल गया। अब हमारा बोला दूसरा कि साइन स्क्वायर x डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री, ये आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करो साइन स्क्वायर लिख दो और x के जगह जो निकाले हो वो यहाँ पर पुट कर दो, तो x के जगह x डिग्री बराबर क्या 60 डिग्री निकाले हो, है ना, x बराबर क्या निकाले हो 60 डिग्री निकाले हो, तो यहाँ पर 60 डिग्री डाल दिया प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का स्क्वायर भी कर सकते हो और कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर कर सकते हो, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है रूट थ्री बाई टू, और इसका स्क्वायर हो गया इसका वन बाई टू का स्क्वायर, तो थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर, फोर बाई फोर इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट भी हो गया फोर्थ का, फोर्थ का वन टू पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं खुद से, आप ट्राई करोगे तो। देखो हम कर ही देते हैं, देखो क्या है, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिग्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिग्री। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स के जगह यहाँ पर कितना वैल्यू निकला 60 डिग्री, 60 डिग्री डाल दो, माइनस टेन स्क्वायर यहाँ पर 60 डिग्री डाल दो, अब बस कुछ नहीं करो, वन बाई कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू आपका वन बाई टू का स्क्वायर, माइनस टेन 60 का क्या होता है टेन 30 का, वन बाई टेन रूट थ्री का स्क्वायर, तो वन बाई फोर ऊपर जाएगा तो फोर माइनस थ्री विल बी वन, तो ये भी हमारा इसका आंसर वन हो गया। ठीक है, ये भी कंप्लीट होता है। हमारा फाइव नंबर क्या है, फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो और कह रहा है कि एंड थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, थीटा का जो वैल्यू है लेस देन 90 डिग्री, द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हैंस द वैल्यू ऑफ और हैंस द वैल्यू ऑफ इतना, देखो थीटा का वैल्यू निकालना, तो फोर साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन बाई फोर, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट वन बाई फोर आई एम डूइंग डायरेक्टली, तो साइन थीटा बराबर हमारा वन बाई टू, तो साइन थीटा बराबर वन बाई टू साइन थर्टी डिग्री, तो थीटा विल बी इसलिए थीटा बराबर थर्टी डिग्री। ठीक है, इसलिए थीटा बराबर थर्टी डिग्री, तो हाउ टू फाइंड लाइक कितना दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह कुछ नहीं करना है, बस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री आगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये फाइव का पार्ट है, फाइव का ये ख़त्म हुआ। सिक्स में आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, साइन थ्री ए बराबर वन, और ए का वैल्यू दिया है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये ए का जो वैल्यू है जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन 90 के बराबर, ये 90 से छोटा होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, देखो साइन थ्री ए बराबर वन, यानी साइन इसको वन को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, यानी थ्री ए बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर हो गया हमारा 30 डिग्री, तो a का वैल्यू हमारा 30 डिग्री निकल गया। अब a का वैल्यू निकल गया तो सबको पुट करके आप आराम से बना सकते हैं। सात नंबर में देखते हैं, सात नंबर में क्या है आपका दिया, टू कॉस टू ए बराबर रूट थ्री, तो कॉस टू ए बराबर हो गया रूट थ्री बाई टू, तो कॉस टू ए बराबर, देखो साइन 60 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है, तो कॉस 30 का होना चाहिए रूट थ्री बाई टू, तो टू ए बराबर हमारा 30 डिग्री, तो ए बराबर हमारा 15 डिग्री, ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे कौन सा है, आगे आप सेवन का बाकी बना लेना, पुट कर देना है ए की जगह 15 डिग्री। ठीक है, एट नंबर देखते हैं, एट नंबर में क्या है, इफ़ साइन एक्स प्लस कॉस वाई बराबर वन और एक्स बराबर 30, तो फाइन द वैल्यू ऑफ वाई, तो देखो साइन 30 डिग्री दो प्लस कॉस वाई बराबर वन, तो कॉस वाई बराबर वन माइनस वन बाई टू, तो कॉस वाई बराबर वन टू वन बाई टू, तो कॉस वाई बराबर हो गया साइन 30 का वैल्यू वन बाई टू, कॉस 60 डिग्री है ना, तो वाई बराबर 60 डिग्री हो गया, वाई का वैल्यू फाइंड करने यहाँ पर बोला था, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है एट का ही, टू पार्ट है, क्या है, थ्री टेन ए माइनस फाइव कॉस बी बराबर रूट थ्री, बी के जगह 90 दिखाना है, तो यहाँ पर आप आराम से इसको बना सकते हैं, थ्री टेन ए माइनस फाइव कॉस बी,
अच्छा कॉस बी, बी की जगह 90, कॉस 90 का मान 0, 5 इंटू 0 0, 3 रिटेन ए बराबर रूट 3, तो टेन ए बराबर हो गया हमारा रूट 3 बाई 3। अब आगे रेशनलाइज करते हैं, रूट 3 नीचे भी रूट 3, तो टेन ए बराबर हो गया हमारा 1 बाई रूट 3, 3 कैंसिल हो, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई, 3 कैंसिल, 1 बाई रूट 3, तो टेन ए बराबर हो गया 10 30 डिग्री, तो ए का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, यानी 1 बाई रूट 3, 10 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3 होता है, ए का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया हमारा। ठीक है, ये भी कंप्लीट होता है। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है, देख आगे 9 नंबर क्या है, फाइंड दी फिगर, वी हैव गिवन सम फिगर, ओके वी हैव गिवन फिगर लाइक ए बी सी, और ये फिगर दिया हुआ, और ये दिया है वाई सेंटीमीटर, और ये दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये एक्स एंगल दिया हुआ है, हमारा एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो अगर आपको निकालना है फ्रॉम द गिवन फिगर कॉस एक्स निकालना है ना, कॉस एक्स डिग्री, तो इसके सामने वाला ये पी होगा, इसके सामने वाला ये पी, और ये आपका हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, और ये बी, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, यानी दिस 10 बाई 20, यानी 10 बाई 20 मतलब 1 बाई 2 आ गया इसका आंसर। उसके बाद बोला है एक्स डिग्री का वैल्यू कितना निकले, जब कॉस एक्स डिग्री बराबर है 1 बाई 2, तो आप लिख सकते हैं कॉस एक्स डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है साइंस 30, साइंस 60 और रूट 3 बाई 2, तो इसका 60 डिग्री, तो एक्स डिग्री बराबर हो गया हमारा 60 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकला 60 डिग्री, ये भी हो गया हमारा, एक्स का भी वैल्यू निकल गया। उसके बाद बोला थर्ड पार्ट में 1 बाई 10 स्क्वायर एक्स डिग्री माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डिग्री, तो बस कुछ नहीं, एक्स के जगह 60 डिग्री डाल दो बस, और कुछ नहीं करना। यूज़ 10x डिग्री टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, 10x डिग्री बराबर कितना होता है, 10x बराबर होता है पी बाई बी, ये पी है वाई और ये बी है, तो वाई बाई टेन हो गया अब हमारा 10x। ठीक है, यहाँ पर हम x का क्या वैल्यू डालेंगे, 10 60 डिग्री बराबर वाई बाई टेन, तो 1060 का वैल्यू रूट 3, 1030 तो वाई बराबर हो गया 10 रूट 3, तो वाई का वैल्यू निकल गया, बोल दिया था। ठीक है, हमारा 9 का ये फोर्थ पार्ट है, ये भी कंप्लीट होता है। कोई 10 नंबर में देखते हैं क्या है, 10 नंबर में यूज़ द गिवन फिगर टू फाइंड 10 थीटा, और आपको देखो फिगर दिया हुआ है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ये है सी, ये है ए, ये है बी, और ये है थीटा, और ये 90 डिग्री है, और ये आपका एक्स है, ये आपका 5 है, ये 5 है, तो आपको बोला है 10 थीटा निकालने, तो 10 थीटा डिग्री, तो 10 ऑफ थीटा ये एंगल ले रहे थे, सामने वाला ये पी हुआ और ये आपका बी हुआ, यानी 5 बाई 5 इक्वल टू 1, तो थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 10 थीटा डिग्री बराबर 10 45 डिग्री लिख सकते हैं इसको, यानी इसलिए थीटा जो हमारा आएगा वो 45 डिग्री आएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 1 2 दोनों पार्ट। अब बोला है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आपको क्या लेना है 45 डिग्री, ये भी आप बना लेना। यूज साइन थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उसी तरह है जैसा कि हमने ये वाला पार्ट बनाया। ठीक है, आप बना लेना इसको, 10 का पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, 2 sin a cos a माइनस cos a माइनस 2 sin a प्लस 1। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर a का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर आपको क्या करो cos a को कॉमन लो, तो यू विल टेक कॉमन, तो यू विल गेट 2a sin a माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लो, तो 2 sin a माइनस 1 मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन हो गया, 2 sin a माइनस 1 और cos a माइनस 1 बराबर 0, तो 2 sin a माइनस 1 बराबर 0, तो 2 sin a बराबर 1, तो sin a बराबर 1 बाई 2, तो sin a यानी sin 30 डिग्री, तो a बराबर हमारा 30 डिग्री हो गया, तो a का वैल्यू निकल गया। अब हमारा ये वाला cos a माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी cos a बराबर हो गया 1, तो cos आपको cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो a बराबर निकल गया 0 डिग्री, तो एक वैल्यू 30 डिग्री एक वैल्यू 0 डिग्री ये निकल गया। हमारा 11 का वन पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा 11 का टू पार्ट है, 10a कॉमन लो, यहाँ से आप 10a कॉमन लोगे तो 1 माइनस 2 cos a आएगा, यहाँ पर क्या करो माइनस कॉमन लो, तो माइनस 2 cos a और यहाँ पर प्लस 1 आएगा बराबर 0। देखो ये सेम थिंग है ना, बस क्या है यहाँ पर प्लस 1 है, तो प्लस 1 माइनस 2 cos a, प्लस 1 माइनस 2 cos a, ये पहले ये बाद में लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये कॉमन लो, तो 1 माइनस 2 cos a और यहाँ हो गया 10a, यहाँ पर कुछ नहीं, प्लेस में कॉमन लिया गया, तो यहाँ पर 1 बचा, 10a माइनस 1 बराबर 0, 1 माइनस 2 cos a बराबर 0, तो 1 बराबर 2 cos a, तो 1 बाई 2 बराबर cos a, तो cos कितना का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू cos a, तो 60 डिग्री बराबर
ए, यानी ए का वैल्यू 60 डिग्री निकला। यहाँ पर टेन ए माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो टेन ए बराबर वन, तो टेन ए बराबर टेन 45 डिग्री का वैल्यू वन, यानी ए बराबर हो गया हमारा 45 डिग्री 45 डिग्री, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस थ्री कॉस ए प्लस वन बराबर ज़ीरो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ठीक है, आप क्या करो, इस कॉस ए को कुछ मान लो, लेट कॉस ए बराबर लाइक एक्स मान लो, तो यू विल गेट टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो। अब इसको फैक्टराइज करते हैं ना, तोड़ते हैं, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो, टू एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो यू विल गेट x माइनस वन बराबर और टू एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो। तो x की जगह क्या, x किसको माना है, cos a, यानी cos a माइनस वन और टू cos a माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो एक बार cos a माइनस वन बराबर ज़ीरो, यानी cos a बराबर वन, यानी cos a cos ज़ीरो डिग्री का वैल्यू, तो a बराबर हो गया ज़ीरो डिग्री। उसी तरह टू cos a माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो cos a बराबर हो गया 1 बाई टू, तो cos a बराबर cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो a बराबर हो गया 60 डिग्री। ये भी कंप्लीट होता है 11 का, ये पार्ट थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। हमारा फोर्थ पार्ट आप चाहो तो खुद से कर लेना, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हम 12 नंबर की बात करते हैं, x का वैल्यू निकालना है, 2 cos 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 2 cos 3x बराबर 1, तो cos 3x बराबर 1 बाई टू, तो cos 3x बराबर cos 60 डिग्री, तो x बराबर 20 डिग्री, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। वन का टू पार्ट देखते हैं, cos x बाई थ्री माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो cos x बाई थ्री बराबर वन, तो cos x बाई थ्री बराबर cos 0 डिग्री, यानी कंपेयरिंग द एंगल्स, इसलिए x बाई थ्री बराबर 0 डिग्री, यानी x बराबर 0 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद है थर्ड फोर्थ पार्ट फाइव, आप चाहो तो सब कर सकते हैं, ट्राई करना है ना। जैसे कौन सा पार्ट बनाते हैं हम, साइन, अगर थर्ड पार्ट देखते हैं, साइन एक्स प्लस टेन डिग्री बराबर वन बाई टू है, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस टेन डिग्री बराबर साइन थर्टी डिग्री, तो एक्स प्लस टेन डिग्री बराबर थर्टी डिग्री, तो एक्स बराबर ट्वेंटी डिग्री, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या है हमारा, ये देयर फोर है, ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट भी उसी तरह है, फिफ्थ पार्ट भी है, सिक्स पार्ट सब उसी तरह। देखो ये कैसे, टेन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव डिग्री बराबर थ्री, तो कुछ नहीं करना है, टेन स्क्वायर टेन एक्स माइनस फाइव, इस पूरे का स्क्वायर बराबर थ्री, तो टेन एक्स माइनस फाइव बराबर स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में चढ़ गया, तो रूट थ्री, तो टेन एक्स माइनस फाइव बराबर टेन सिक्सटी डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। थोड़ा सा डायरेक्ट है, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, इतना देर से बना रहे हैं समझ गए होंगे। उसके बाद है हमारा सिक्स पार्ट था, कंप्लीट हुआ। सेवन पार्ट में देखा जाए तो बिल्कुल सेम उसी तरह है, थ्री टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस ट्वेंटी डिग्री बराबर वन, तो टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस ट्वेंटी डिग्री बराबर वन बाई थ्री, तो टेन टू एक्स माइनस ट्वेंटी डिग्री बराबर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट वन बाई थ्री, यानी वन बाई रूट थ्री, रूट वन का वैल्यू वन होता है। अब आगे आप बना लेना, आपको पता है कि टेन टू एक्स माइनस ट्वेंटी डिग्री बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, वन बाई रूट थ्री, टेन थर्टी डिग्री का। आगे आप कंपेयरिंग द एंगल्स x का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। आगे हम एट पार्ट देखते हैं, क्या है, cos x बाई टू प्लस टेन डिग्री बराबर रूट थ्री बाई टू, तो क्या हो सकता है, cos x बाई टू प्लस टेन डिग्री बराबर किसका, इसका cos में किसका वैल्यू होता है, cos में cos sin 30 का 1 बाई टू होता है, cos 30 का रूट थ्री बाई टू होता होगा, ठीक है। तो अब आगे आप बना लेना कंपेयरिंग द एंगल्स, ठीक है, तो ये भी पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद नाइन नंबर में होता है आपको है sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1, तो आपको यहाँ पर x का ही सबका वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर x, यहाँ पर साइन 30 का 1 बाई टू का स्क्वायर 1 बाई फोर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस 1 बाई फोर, 1 माइनस 1 बाई फोर, यानी साइन स्क्वायर x बराबर, साइन स्क्वायर x बराबर 3 बाई फोर, यानी साइन x बराबर हो जाएगा, इस पूरे में रूट चढ़ेगा, रूट 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट 3 बाई टू, तो साइन x बराबर हमारा आ गया रूट 3 बाई टू, तो
साइन एक्स रूट थ्री बाई टू किसका वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का, तो एक्स बराबर 60 डिग्री निकल गया, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे कौन सा है हमारा, ये 9 नंबर था, आगे 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर आप चाहो तो खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 4 cos² एक्स डिग्री बराबर 3, और एक्स क्या है, क्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो अब क्या करें, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 3 है ना, एक्स का वैल्यू निकालना आपको। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 3/4, तो कॉस स्क्वायर एक्स डिग्री बराबर, जो कॉस स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट 3/2 हो जाएगा इधर, तो कॉस एक्स डिग्री, कॉस में किसका रूट 3, साइन 30 का 1/2 होता, तो कॉस 30 का रूट 3/2 होना चाहिए, एक्स बराबर 30 डिग्री हो गया, तो ये हमारा x का निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, x का वैल्यू बोला है cos स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x का जो वैल्यू निकला, यहाँ पर जो x का वैल्यू निकला बस यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकला, यहाँ पर 30 डिग्री निकला, तो यहाँ पर x की जगह 30 डिग्री डाल दो, कितना, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये आप डाल दो, उसके बाद आपका बन जाएगा। ठीक है, सब बना लेना, 13 का सारा पार्ट, केवल एक्स का वैल्यू हमने निकाल दिया यहाँ पर। उसके बाद है हमारे 14 नंबर में क्या बोल रहा है, कि आपको एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल बनाओ, एबीसी एक ट्रायंगल, उसके बाद बोला है कि एंगल बी राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी 90 डिग्री में। उसके बाद बोला है कि AB यूनिट्स है, AB यूनिट्स है। ठीक है, उसके बाद BC आपका रूट 3 है, BC क्या है, अच्छा AC क्या है, 2 यूनिट्स है। उसके बाद बोला है कि एंगल ए जो है, एंड एंगल ए बराबर एक्स डिग्री है, ये आपका एक्स डिग्री दिया हुआ है। आपको बोला है साइन ऑफ एक्स निकालने, देखो साइन ऑफ एक्स डिग्री, इसके सामने वाला ये पी हो गया और 90 के सामने वाला एच हो गया, यानी रूट 3/2। अब बोला है एक्स का वैल्यू निकालने, साइन एक्स डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री और रूट 3/2 होता, तो एक्स डिग्री का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद एक्स का निकल गया, साइन एक्स का निकल गया, उसके बाद टेन एक्स का बोला, बस एक्स के जगह 60 डिग्री डाल दो, टेन 60 डिग्री, टेन एक्स का बोला है, टेन एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्री की जगह क्या डालोगे, टेन 60 डिग्री डालोगे, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। यूज़ कॉस एक्स, कॉस एक्स को यूज़ करके आपको वाई का वैल्यू फाइंड करना। देखो कॉस एक्स बराबर क्या होता है, बी बाई एच, इसके सामने वाला ये पी हुआ, ये एच हुआ, ये बी बाई एच, ये बी यानी ये वाई बाई टू हो गया, तो y by 2, तो cos x, x का जगह क्या डालना है, x डिग्री की जगह 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर y by 2, cos 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, sin 60 का रूट 3/2, 1/2 होता है, बराबर y by 2, 2 कैंसिल, y बराबर 1 हो गया, ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद 15 नंबर में क्या बोला है, चलो देखते हैं, 15 नंबर में क्या बोला है, 2 cos A + B बराबर 2 sin A - B बराबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। एक बार इसको 1 के इक्वल रखो, 2 cos A + B बराबर 1, ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो cos ए प्लस बी बराबर हो गया हमारा 1/2, मतलब किसका वैल्यू होता है, साइन डायरेक्ट नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाए, cos ए प्लस बी, साइन 60 का वैल्यू 1/2, तो cos 60 का, साइन 60 का रूट 3/2 होता है, तो cos 60 का 1/2, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब एक बार इसको 1 के इक्वल रखो, 2 sin A - B बराबर 1, तो sin A - B बराबर 1/2, तो sin A - B बराबर साइन 30 डिग्री, तो A - B कंपेयरिंग द एंगल्स, तो A - B बराबर 30 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करो तो आप A और B का वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।